हाय फ्रेंड्स, आज हम बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट करने वाले हैं पांच धमाकेदार फ़ोन का, जिसमें Realme XT, Vivo Z1X, Samsung M30s, Mi A3 और Vivo U10 है। और आज हम इसका बैटरी ड्रेनिंग के साथ साथ चार्जिंग टेस्ट भी करेंगे और देखेंगे कि कितनी देर बैटरी चलती है किस फ़ोन की और किसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। Realme XT में 4000 mAh की बैटरी है, Vivo Z1X में 4500 mAh की बैटरी है, Samsung M30s में 6000 mAh, Mi A3 में 4000 mAh और Vivo U10 में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। सभी फ़ोन पे हम वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं और ब्राइटनेस को लगभग 70% पे कर देते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन गाना सुनेंगे एक घंटा और देखते हैं कितनी बैटरी ड्रेन होती है। ऑनलाइन पे एक घंटे गाने सुनने के बाद Realme XT 91% पे है, Vivo Z1X 95% पे है, Samsung M30s 97% पे, Mi A3 90% पे और Vivo U10 दोस्तों यहाँ पे 98% पे है। यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज है दोस्तों वो ठीक से नहीं दिखा रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 98% पे है Vivo U10। तो चलिए हम एक घंटा और गाना सुनते हैं और देख लेते हैं कि किस में कितनी बैटरी जो है ड्रेन होती है। दो घंटे ऑनलाइन गाने सुनने के बाद Vivo U10 94% पे है, Mi A3 81%, M30s में 92%, Vivo Z1X में 87% और Realme XT जो है 83% पे है। एक बार आपको स्टॉपवॉच भी दिखा देता हूँ। लगभग फ़ोन को यूज़ करते हुए दोस्तों 2 घंटे 7 मिनट का टाइम हो गया है। अब PUBG खेलेंगे सभी फ़ोन्स में और देखेंगे PUBG वैसे काफ़ी बैटरी ज़्यादा ड्रेन करता है, तो देखते हैं एक घंटे बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है और बैटरी कितना ज़्यादा ड्रेन होता है किस फ़ोन का। फ़ोन को यूज करते हुए 3 घंटे का टाइम हो चुका है। अभी हमने लगातार 1 घंटे पबजी खेला है और अभी Vivo U10 में 85% बैटरी है, Mi A3 में 70%, Samsung M30s में 84%, Vivo Z1X में 73%, Realme XT में 70% बैटरी बची हुई है। अब 1 घंटे और गेम खेलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किसमें कितनी ज़्यादा बैटरी जो है ड्रेन होती है। फ़ोन को यूज़ करते हुए लगभग 4 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। लगातार हमने अभी 2 घंटे PUBG खेला यहाँ पे। अब बैटरी परसेंटेज देखें तो Vivo U10 में 74%, Mi A3 में 58%, Samsung M30s में 73%, Vivo Z1X है 60% पे और Realme XT है 55% पे। अब हम लोग दोस्तों YouTube पे वीडियो देखने वाले हैं और देखते हैं 1 घंटे बाद कि हमें कितना बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिलता है। फ़ोन को यूज़ करते हुए 5 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है। अभी 1 घंटे हमने YouTube पे वीडियो देखा। अब बैटरी परसेंटेज देखें तो Vivo U10 जो है 67% पे है, Mi A3 50% पे, Samsung M30s 65% पे, Vivo Z1X 52% पे और Realme XT हमारा 45% पे आ चुका है। अब 1 घंटे और वीडियो देखेंगे YouTube पे और देखते हैं और कितना बैटरी ड्रेन होता है 1 घंटे बाद। दोस्तों हम फ़ोन को 6 घंटे से लगातार यूज़ कर रहे हैं। अभी 2 घंटे हमने YouTube पे वीडियो देखा है। अभी अगर बैटरी परसेंटेज देखें तो Vivo U10 है 61% पे, Mi A3 है 40% पे, Samsung M30s है 56% पे, Vivo Z1X है दोस्तों 43% पे, Realme XT 35% पे आ चुका है। अब अगले 1 घंटे जो है हम लोग कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि और कितनी ज़्यादा बैटरी जो है ड्रेन होती है अगले। Thank you.
वीवो Z1X की भी बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो चुकी है और इसने हमें लगभग से 9 घंटे 22 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है। अभी अगर देखें तो सैमसंग M30s और वीवो U10 बाकी है, देखते हैं आगे और फ़ोन यूज़ करके और इसमें कितना बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। फ़ोन को यूज़ करते हुए लगभग 9.5 घंटे का टाइम हो चुका है। बैटरी अगर देखें तो वीवो U10 अभी 21% पे है और हमारा सैमसंग M30s जो है लगभग 26% पे बची हुई है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि वीवो U10 काफ़ी आगे चल रहा था, लेकिन जब भी हमने पबजी खेला है तो पबजी खेलने के टाइम में सैमसंग M30s से ज़्यादा जो है बैटरी वीवो U10 ने ड्रेन की है। दोस्तों लगभग 1 घंटे 30 मिनट हमने फिर से कैमरा को यूज़ किया नॉनस्टॉप और फ़ोन को यूज़ करते हुए लगभग 11 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और बैटरी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जी हाँ, वीवो U10 अभी भी 5% बैटरी के साथ बचा हुआ है और सैमसंग M30s में अभी भी 9% बैटरी बची हुई है। तो चलिए आगे हम फिर से जो है पबजी खेलेंगे और देखते हैं और कितना ज़्यादा बैटरी बैकअप दे पाता है कौन सा फ़ोन हमें। फाइनली हमारा जो वीवो U10 है दोस्तों, उसने भी अपना दम तोड़ दिया है और इस फ़ोन में दोस्तों हमें लगभग मिला है 11 घंटे 20 मिनट 41 सेकंड का बैकअप। अब दोस्तों सिर्फ सैमसंग M30s ही बचा हुआ है, देख लेते हैं कि ये और कितनी देर टिक पाता है। सैमसंग M30s ने भी यहाँ पे दम तोड़ दिया है और फाइनल रिजल्ट अगर हम देखें तो ये है दोस्तों रिजल्ट्स। यहाँ पे 11 घंटे 43 मिनट 4 सेकंड का बैटरी बैकअप हम लोग को मिला है सैमसंग गलेक्सी M30s से। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा Realme XT का बैटरी डाउन हुआ था, जहाँ पे हम लोग को बैकअप जो है 8 घंटे 18 मिनट का मिला था। उसके बाद दोस्तों Mi A3 9 घंटे 8 मिनट का बैकअप दिया। तीसरे नंबर पे था दोस्तों Vivo Z1X, जिसने 9 घंटे 22 मिनट का बैकअप दिया। चौथे नंबर पे हमारा था Vivo U10, जिसने 11 घंटे 20 मिनट का बैकअप दिया। और पांचवें नंबर पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट बैकअप है वो सैमसंग गलेक्सी M30s ने दिया है, 11 घंटे 43 मिनट का बैकअप हम लोग को देखने को मिला है सैमसंग M30s से। Vivo U10 के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, इसने 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद भी सैमसंग M30s
इसको काफ़ी कड़ी टक्कर दी है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सैमसंग M30s से इसमें छोटी डिस्प्ले आपको मिलती है, साथ में यहाँ पे जो प्रोसेसर है काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट है। और साथ में दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसकी जो डिस्प्ले है HD+ है, इसी वजह से ये जो है बैटरी कम कंज्यूम करता है। सेम केस दोस्तों आपको Mi A3 में भी देखने को मिलता है। ये जो फ़ोन है काफ़ी अच्छी टक्कर दिया है Vivo Z1 X को बैटरी के मामले में, और इसने भी काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप दी है। इसका भी रीज़न ये है कि इसमें छोटी डिस्प्ले देखने को मिलती है, HD+ की डिस्प्ले है, इसी वजह से यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो अब जो है दोस्तों हम लोग इन सब का चार्जिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इन सब के ओरिजिनल चार्जर से कितना टाइम लगता है फ़ोन को चार्ज होने में। अब जो है बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट के बाद चार्जिंग टेस्ट भी कर लेते हैं कि चार्ज होने में फ़ोन को कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारे सारे चार्जर कनेक्टेड है, यहाँ पे चार चार्जर है और यहाँ पे हमारा वूक चार्जर है रियलमी का। तो अब जो है सारे चार्जर को कनेक्ट कर लेते हैं और फिर टाइमर ऑन करते हैं और देखते हैं कि चार्ज होने में सभी फ़ोन को कितना टाइम लगता है। तो हमने सारे फ़ोन को चार्जर से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़ोन का चार्जर यहाँ पे है और बाकी चार चार्जर जो है यहाँ पे हैं। तो चलो भाई ऑन कर दो चार्जर, ये ऑन कर दिया चार्जर और टाइमर को भी स्टॉपवॉच को भी ऑन कर दो। तो ये देखिए हमारी बैटरी जो है चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। पंद्रह मिनट चार्ज होने के बाद दोस्तों रियलमी XT 24% पे पहुंच चुका है, Vivo Z1 X 23%, सैमसंग M30s में 9% और Mi A3 जो है 12% पे आ गया है और Vivo U10 में दोस्तों हम लोग को 15% चार्ज देखने को मिल रही है। चार्जिंग में दिए हुए आधा घंटा हो चुका है। अभी अगर बैटरी परसेंटेज देखिए तो Vivo U10 27%, Mi A3 25%, सैमसंग M30s 19%, Vivo Z1 X 42% और Realme XT 48% पे आ चुका है। एक घंटा हो चुका है चार्ज में दिए हुए। अभी बैटरी परसेंटेज देखें तो Vivo U10 54% पे आ चुका है, Mi A3 52% पे, सैमसंग M30s ने 37% चार्ज कर ली है, Vivo Z1 X ने 71% और Realme XT दोस्तों लीड में है 86% चार्ज के साथ। एक घंटे 15 मिनट बाद Vivo U10 67% पे, Mi A3 66%, सैमसंग M30s ने 45% चार्ज कर लिया है, Vivo Z1 X 87% पे और Realme XT 96% पे पहुंच चुका है। अब देखते हैं और कितना टाइम लगता है Realme XT को फुल चार्ज होने में। Realme XT दोस्तों फाइनली चार्ज हो चुका है और इसको चार्ज होने में 1 घंटे 26 मिनट 53 सेकंड का टाइम लग गया। वैसे अगर देखें तो Vivo Z1 X भी 94% पे पहुंच चुका है। तो अब देख लेते हैं कि Vivo Z1 X को और चार्ज होने में कितना टाइम लग जाता है। फाइनली दोस्तों हमारा Vivo Z1 X ने भी फुल्ली चार्ज कर लिया है और इसको चार्ज होने में लगभग 1 घंटे 49 मिनट 49 सेकंड का टाइम लगा। लगभग 1 घंटे 50 मिनट में ये जो है फुल्ली चार्ज हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 4500 mAh की बैटरी मिलती है और 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलता है इसमें। 2 घंटे हो चुका है चार्ज में दिए हुए। अभी Vivo U10 95% पे आ चुका है, Mi A3 96% और सैमसंग M30s जो है 69% पे ही है। देखते हैं Vivo U10 और Mi A3 में कौन सा पहले चार्ज होता है। फाइनली Mi A3 जो है फुल्ली चार्ज हो चुका है और इसको चार्ज होने में लगभग से इसके ओरिजिनल चार्जर से 2 घंटे 21 मिनट का टाइम लगा है। अब हमारा Vivo U10 जो है वो भी 99% पे है। तो देखते हैं Vivo U10 और कितनी जल्दी चार्ज कर लेता है। फाइनली Vivo U10 भी फुल्ली चार्ज हो चुका है, इसको चार्ज होने में 2 घंटे 26 मिनट 48 सेकंड का टाइम लगा है। वैसे अब सिर्फ एक डिवाइस बाकी है, वो है सैमसंग M30s। अभी अगर इसमें देखें हम परसेंटेज तो 83% जो है ये फ़ोन चार्ज हुआ, यानी 17% और भी चार्ज बाकी है। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है और भी। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, तो लाइक कर दो जल्दी से। फाइनली सैमसंग M30s भी फुल्ली चार्ज हो चुका है, इसको चार्ज होने में लगभग 3 घंटे 5 मिनट और 49 सेकंड का टाइम लग गया। अब एक बार स्टॉपवॉच को भी देख लेते हैं। सबसे पहले Realme XT फुल्ली चार्ज हुआ था 1 घंटे 26 मिनट 53 सेकंड में,
उसके बाद दोस्तों Vivo Z1X 1 घंटे 49 मिनट 49 सेकंड में चार्ज हो गया, Mi A3 2 घंटे 21 मिनट 4 सेकंड में, Vivo U10 2 घंटे 26 मिनट 48 सेकंड में और Samsung M30s ने 3 घंटे 5 मिनट 49 सेकंड का टाइम लगा दिया। एक बात और आपको बता दूं, Realme XT में हमें 20 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, Vivo Z1X में 22.5 वाट का फास्ट चार्जर, Samsung M30s में 15 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, Mi A3 में 10 वाट का नॉर्मल चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप चाहें तो 18 वाट का फास्ट चार्जर इसमें लगा के चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हमने ये जो टेस्ट है 10 वाट के नॉर्मल चार्जर जो इसके साथ आता है उसी के साथ किया है। Vivo U10 में 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, आपको पता ही होगा कि कितना टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। होप यू अंडरस्टैंड दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।